स्वागत है दोस्तों आपका ऑनलाइन लर्निंग ऑफ द बेस्ट वे चैनल में। ये सूचना सहायक का मॉडल पेपर है, कंप्लीट मॉडल पेपर है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन 80 क्वेश्चन मिलेंगे। और इससे पहले एक वीडियो है जिसमें आपको 120 क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से मिलेंगे। तो जो ये कंप्लीट मॉडल पेपर 200 क्वेश्चन से लिए गए हैं, आपके एक मॉडल पेपर में दो मॉडल पेपर क्लियर हो रहे हैं। देखिए बिनोटा क्या है, बिनोटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिनोटा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है ये राजस्थान के एग्जाम में। बिनोटा दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ होती हैं, जूतियों का नाम है। राजस्थानी भाषा में इन्हें बिनोटा कहा जाता है। और राजस्थान में ये भी मान्यता है कि बिनोटा है वो 7 दिन के अंदर ये टूट जानी चाहिए थी, क्योंकि ये इसके लिए अच्छा सुगुन माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर ये जो विवाह की जूतियाँ हैं वो जितनी 7 दिन के अंदर अगर टूट जाती हैं तो जो भी कर्जा है वर या वधू के घर में वो भी शादी का वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है वेलिकेशन रुकमणी रिवचनिका और राव जय शिरोचन, इन दो डिगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो डॉक्टर टेस्टोरी को जाता है। ये जो वेलिकेशन रुकमणी रिवचनिका है वो पृथ्वीराज राठौड़ की थी, और इस कृति को राजस्थानी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था डॉक्टर टेस्टोरी के द्वारा। और इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। इस रचना का संदर्भ दयाल दास जी विख्यात से है, और राव पृथ्वीराज राठौड़ सम्राट अकबर के दरबारी कवि के राजपुताना में पित्थल एवं दुर्जा आड़ा द्वारा डिंगल का एरोज भी इन्हें कहा जाता है, डिंगल का एरोज के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट है इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है। इमारती पत्थर के श्रेणी में देखें तो राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, और राज्य में देखें तो जोधपुर जिले का प्रथम स्थान है। जोधपुर में सर्वाधिक इमारती पत्थर का उत्पादन किया जाता है। और एक है बादामी पत्थर जोधपुर से निकाला जाता है, सलेटी पत्थर अलवर से निकाला जाता है, और गुलाबी पत्थर भरतपुर से, काला पत्थर और घिया पत्थर है वो डूंगरपुर से निकलता है, गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ का है, और कोटा स्टोन कोटा का प्रसिद्ध है, लाल पत्थर है धौलपुर करौली का प्रसिद्ध है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने, भी काला पत्थर कहाँ पे निकलता है डूंगरपुर का, लाल पत्थर कहाँ से धौलपुर और करौली में मिलते हैं, और गुलाबी पत्थर है वो भरतपुर का प्रसिद्ध है, सलेटी पत्थर अलवर का है, बादामी पत्थर जोधपुर का है, ये भी सारे इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ में राउतबाटा में लगा हुआ है। ये राजस्थान का प्रथम और देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। अगर देश का पहला देखें तो देश का पहला तारापुर महाराष्ट्र में लगा हुआ है। नेक्स्ट है सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी, कि सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी सर्वप्रथम, वो अलवर के रियासत के द्वारा लगाई गई थी 1830 ईस्वी में। सती प्रथा को सहगमन सहमरण या अनवारोहण भी कहा जाता है। राजस्थान में जो सती प्रथा की 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत द्वारा अवैध इसको घोषित किया गया था। सर्वप्रथम किसके द्वारा, बूंदी रियासत के द्वारा अवैध घोषित किया गया था, लेकिन रोक है वो अलवर रियासत के द्वारा लगाई गई थी। 1829 में विलियम बेंटिंग के प्रयासों से इस पर रोक लगाई गई, और राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो कानून बना था 1830 ईस्वी में अलवर में बना था। सती माता का मंदिर भी है झुंझुनू में स्थित है, शेखावाटी का एरिया है ये। नेक्स्ट है राजस्थान के क्षेत्र और गाय के नस्ली देवियाँ, उनको आपस में मैच करना है। तो पश्चिम में देख लिए, जो पश्चिम एरिया के हैं वो अपने अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं कि उनको पता है कि वहाँ पे कौन सी नस्ल चलती है। तो पश्चिम में जो नस्ल है वो थार पार्कर है, और उत्तर पश्चिम में जो चलती है वो राठी नस्ल है,
वो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कौन सी है, कांकरेज है, और लास्ट में बच गई दक्षिण पूर्वी, वो है गिर। दक्षिण पूर्व में गिर कहाँ की है ये नस्ल, ये गुजरात की है, गुजरात में है, गाय की नस्ल है गिर, और गुजरात का ही एरिया है, गुजरात के पास में लगा हुआ है, जो दक्षिण पूर्वी भाग है राजस्थान का, वहाँ पे गिर है, गाय की नस्ल मुख्य रूप से पाली जाती है, और दक्षिण पश्चिम में राठी है, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि बनी हुई है, तो राणा सांगा की बनी हुई है, राणा सांगा, राणा कुंभा सॉरी, ये तो राणा सांगा की बनी हुई है, ये रही, ये राणा सांगा की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 की हुई थी, ईरच में हुई थी, ईरच नामक स्थान, ईरच को कालपी भी कहा जाता है, और जो सांगा का जो ध्यान ये दाह संस्कार हुआ था, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा ले जाया गया था इनको, और वहाँ पे किया गया था, बीच में एक रात का पड़ाव बसवा दोसा में डाला गया, अतः वहाँ सांगा का चबूतरा भी बनाया गया है, एक रात के लिए दोसा में बसवा में रुके थे, वहाँ पे उनका चबूतरा है, और अंत में इसका जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका दाह संस्कार किया गया, यहाँ पर अशोक परमार ने 32 खंभों की छतरी भी बनवाई गई है, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, दरा वन्य जीव अभियान किस जिले में स्थित है, तो दरा वन्य जीव अभियान है कोटा में है, कोटा और झालावाड़ में है अभियान में, इसमें महाराव मुकुंद सिंह के पासवान अबलीमिनी का भी महल है, अबलीमिनी का महल कहाँ बना हुआ है, तो इसी अभियान में, दरा वन्य जीव अभियान में है, और राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, तो याद रखना है राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, दरा वन्य जीव अभियान है, जो कि कोटा में स्थित है, और राजस्थान का प्रथम ताजमहल कौन सा है, फिर राजस्थान का प्रथम ताजमहल है जसवंत थड़ा है, जो कि जोधपुर में स्थित है, इस अभियान को वर्तमान में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यह राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है, पहला रणथंभौर था, दूसरा केवला देव है, और तीसरा अभियान है यह है जहाँ पर बाघ की परियोजनाएं चलाई गई है, और प्रथम बाघ की परियोजनाएं कहाँ है, रणथंभौर में, और दूसरी सरिस्का अभियान अलवर में चलाई गई थी। नेक्स्ट है, किस ध्रुव के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से रखी पगड़ी गिर जाती है, तो वो कटारगढ़ ध्रुव है, कटारगढ़ कहाँ है, कुंभलगढ़ ध्रुव में है, कुंभलगढ़ ध्रुव के ऊपर की जो ऊपर बनी हुई इमारत है, कुंभलगढ़ ध्रुव के अंदर एक छोटा ध्रुव है जिसका निर्माण कुंभा ने ही बनवाया था, इसी को कुटारगढ़ कहते हैं, और इसे मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है, अबुल फजल ने ये स्टेटमेंट कहा था। नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो सवाई जय सिंह है, जिन्होंने जयपुर नगर बसाया था 18 नवंबर 1727 ईस्वी को, इन्हीं के द्वारा ही ये अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, ये अंतिम हिंदू शासक थे। नेक्स्ट है, राव जैत शिरो छंद किस भाषा में लिखी गई है, तो राव जैत शिरो छंद लिंगल भाषा में है, ये बिट्टू सुजा के द्वारा लिखी गई है लिंगल भाषा में, इसका जो संबंध है, राव जैसी बीकानेर के शासक थे तो उनसे इनका संबंध है, 1541 में पोहिबा का युद्ध हुआ था राव जैसी और मालदेव, ये मालदेव के साथ, जिसमें राव जैसी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र जो वहाँ के राजा प्रसादों की मुख्य शोभा है वह कौन सा है, तो वो मूमल है, जैसलमेर का मूमल चित्र प्रसिद्ध है, बनी ठनिया वो ये किशनगढ़ की है, और जैसलमेर की जो शैली है इसका स्वर्ण काल अगर पूछ लिया जाए किसके शासनकाल को है, तो मूला द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अरब सागर एवं कैस्पियन सागर से होती है शीतकाल में वर्षा, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होती है जिसे माउट कहा जाता है, ये भूमध्य सागरीय चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से वर्षा होती है, जो कि रबी के फसलों के लिए गोल्डन ड्रॉप का काम करती है, इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है भौतिक विभाग शैल और धरातलीय लक्षण दिए हुए हैं, तो कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। दक्षिण पूर्वी पहाड़ है वो शैल का समूह है, इनका क्या है आर्कियन या विंध्यन क्रम है, आर्कियन विंध्यन क्रम, और ये धरातीय जो लक्षण है इनके गोडवाना लैंड का ये विस्तारित भाग है, तो ये सही है दक्षिण पूर्वी पहाड़ है जो कि गोडवाना लैंड का ही विस्तारित भाग है और आर्कियन विंध्यन क्रम है यहाँ पे। पश्चिमी बालू का मैदान 35 सागर का अवशेष है, ठीक है सही है, राइलो क्रिटेशस क्रम में है, ठीक है ये भी, और अरावली अरावली दिल्ली क्रम, अरावली से दिल्ली की तरफ फैली हुई है, प्राचीनतम ललित पर्वत श्रेणी है, ये भी ठीक है। उत्तर पूर्वी मैदान ये दक्कन लावा विंध्यन क्रम का है और हिंदू नदी निर्मित मैदानी भाग है, ये भी ये सेंटेंस गलत है, तो ये ऊपर वाले तीन सेंटेंस सही होंगे। देश में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ है, तो उदयपुर में है। सीसा चांदा चांदी और जस्ता तीनों ही धातु मिश्रित रूप से निकाली जाती है, जो इसका आवश्यक होता है उसे गलेना कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जावर खान है उदयपुर में चांदी की और शीशे की, इनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, और उदयपुर के देवारी गांव में भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना भी लगा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, देवारी गांव में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना भी लगा हुआ है, और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से एक सुपर जिंक सिमुलेटर संयंत्र स्थापित किया गया है, किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, कहाँ पर किया गया, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाया गया है। एशिया में प्रथम स्थान है ये, जिसका एशिया में प्रथम स्थान है इसका। देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कहाँ है, तो टंगस्टन की खान काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है, डेगाना नागौर में देश की एकमात्र खान है ये जहाँ से टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। ये डेगाना नागौर में है, इसमें एक नागौर में ही बाकरी गांव है, बाकरी गांव में रेव पहाड़ियों पर यह स्थित है। टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली धातु है, उच्च हाई गलनांक वाली धातु है, ये सामरिक कार्यों में विद्युत सामान बनाने में उपयोगी होती है, और भारत का फेल्सपार है 61% फेल्सपार राजस्थान में, और राजस्थान का 96% फेल्सपार कहाँ से प्राप्त होता है, फेल्सपार है वो कि मकरेड़ा अजमेर से मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसमें मकरेड़ा नहीं पूछा गया, अजमेर पूछा गया है कि फेल्सपार कहाँ पे होता है, फेल्सपार राजस्थान का 96% फेल्सपार है वो अजमेर में होता है, और अजमेर में जगह है मकरेड़ा, तो ये भी आपको मकरेड़ा भी याद रखना है, कहीं ऑप्शन अजमेर ना मिल के मकरेड़ा मिल जाए वहाँ। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है, पहले तो अजमेर में है, अजमेर में अजयराज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अजमेर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था, 1113 ईस्वी में करवाया गया था। अजमेर दुर्ग को ही तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। 1505 ईस्वी में इस दुर्ग पर राणा पृथ्वीराज सिंह सोदिया द्वारा अधिकार कर लिया गया था 1505 ईस्वी में, और अपनी पटरानी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा था, तारागढ़ दुर्ग रखा था। और तारागढ़ दुर्ग के अन्य नाम भी है, जैसे गढ़बिठली, राजपुताने की कुंजी, विषभ एबरने से प्रो का जिब्राल्टर भी कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने कहा है प्रो का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग को, विषभ हेबर नामक व्यक्ति ने। नेक्स्ट है किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने उससे विवाह किया था, वो कौन थी, चारुमती थी। इस कारण औरंगजेब और राज सिंह के बीच में तनाव भी उत्पन्न हो गया था। और ये डूंगरपुर महाराव आसकरण की रानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का भी निर्माण करवाया गया था, तो ये भी याद रखना है, नौलखा बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर के महाराव आसकरण की रानी थी प्रेमल देवी, इनके द्वारा करवाया गया है। और कृष्णा कुमारी मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी, कृष्णा कुमारी कौन थी, मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी, जिसने अपना सिर काट कर देने वाली आड़ी रानी का नाम सहल कंवर था, सहल कंवर आड़ी रानी थी, आड़ी रानी के नाम से जानी जाती है। ये
राजपूत रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट रानियां। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का विशाल वृहद राजस्थान में विलयनीकरण कब हुआ था? वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को कब मिलाया गया था? तो ये 15 मई 1949 को, यह हाल ही में पीछे एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया है, राजस्थान पुलिस में भी आया था ये कि मत्स्य संघ को किस में मिलाया गया है, वृहद राजस्थान में मिलाया गया है और कब मिलाया गया, 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी और यह कब बना था, तो इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौरपुर चार रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बना था और यह 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था। महाभारत काल में यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था और श्री के एम मुंशी के सुझाव के अनुसार ही इसका नाम रखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके सुझाव पे इसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ, के एम मुंशी के सुझाव पे, जिसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। मत्स्य संघ को विशाल या वृहद राजस्थान में डॉक्टर शंकर राव देव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर इसको वृहद राजस्थान में 15 मई 1949 को मिला लिया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, मत्स्य संघ के बारे में। प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट की राजधानी कौन सी थी? तो नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक थे, उनके दादा का नाम क्या था, रजिल था, और इनकी जो राजधानी थी वो जोधपुर थी, जोधपुर। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भंडारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये नागभट्ट द्वितीय ने की थी, परम भंडारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि। नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था जिसकी जानकारी अपने को ग्वालियर अभिलेख से मिलती है, और प्रतिहार राजा मिहिर भोज के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना राजा मिहिर भोज के शासनकाल में की गई थी, और प्रतिहार जो शासक मिहिर भोज है, मिहिर भोज ने आदिवराय की उपाधि भी ग्रहण की थी। तो ये प्रतिहार शासकों के बारे में है ब्रीफ डिस्कशन। वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर आश्रित राज्य बना था? वो करौली राज्य था जिन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी और 15 नवंबर 1817 को की थी, ये अंग्रेजों से संधि कर ली थी। और अंत में कौन सी रियासत थी, ये तो फर्स्ट रियासत थी, अंत में सिरोही रियासत थी जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है सिल्ली शेड अलवर जिले में है, अलवर जिले में स्थित झील है ये सिल्ली शेड। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? रानी सिल्ला के लिए महाराणा विनय सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण अपनी रानी सिल्ला के लिए करवाया था सिल्ली शेड झील, इसलिए सिल्ला के नाम पे ही सिल्ली शेड नाम रखा गया इसका। कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो अक्षय तृतीया कब आती है, अक्षय तृतीया आती है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ये सही है। निर्जला एकादशी कब आती है, निर्जला एकादशी आती है जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आरपीएससी के द्वारा पूछे भी जा चुके हैं ये क्वेश्चन। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है और निर्जली एकादशी आती है जेठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध किराड़ो मंदिर कहाँ है, किराड़ो मंदिर कहाँ है और इसकी शैली कौन सी है? तो किराड़ो मंदिर है वो बाड़मेर में है जिसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, और इसकी जो शैली है वो गुर्जर प्रतिहार शैली है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, मल्लीनाथ जी का भी बाड़मेर में ही है और इनका संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है। बाड़मेर का नाम पहले क्या था, मालानी नाम था, मालानी क्षेत्र था ये, और इस महान संत को जो मल्लीनाथ जी हैं उनको हाथ का हजूर और जागती जोत भी कहा जाता है, ये उनकी उपाधि थी, हाथ का हजूर और जागती जोत के नाम से मल्लीनाथ जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है कुछ संप्रदाय दिए हुए हैं उनको जिलों के अनुसार क्रमवाइज करना है। गुदड़ संप्रदाय का संबंध है दांतड़ा भीलवाड़ा से। नवल संप्रदाय है
बीकानेर से, चंडदासी संप्रदाय, चंडदासी संप्रदाय है दिल्ली से, और अलख्या संप्रदाय जोधपुर से है। तो इनका इस प्रकार क्रम होगा, एक बार फिर देख लीजिए। गुदड़ संप्रदाय बीकानेर से है, गुदड़ संप्रदाय कहाँ है, बीकानेर से है, नहीं सॉरी, गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा से है, नवल संप्रदाय है जोधपुर से, ये गलत हो गया था पहले, गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा से है, नवल संप्रदाय जोधपुर से है, वो चरणदासी संप्रदाय है वो दिल्ली से है, अलख्या संप्रदाय है वो बीकानेर से है। ये क्रम इस प्रकार होगा इसका, तो पहले ये गलत हो गया था तो उसके लिए सॉरी। ये गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा में है, नवल संप्रदाय जोधपुर में है, चंदासी संप्रदाय दिल्ली में, और अलखिया संप्रदाय बीकानेर में है। नेक्स्ट है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कथन किसका था, तो ये शेरशाह सूरी का था। शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया था, मालदेव मारवाड़ का शासक था, तो मालदेव पे आक्रमण किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो इस पे शेरशाह ने ये सेंटेंस कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता, क्योंकि ये मालदेव के साथ मालदेव के किले को या मालदेव के राज्य को जीतने में उनको काफ़ी कठिनाई हुई थी, तो इसलिए कहा था इन्होंने। नाथ, नेक्स्ट है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो नाथ संप्रदाय जोधपुर में हुई थी इसकी स्थापना, मानसिंह द्वारा महामंदिर भी बनाया गया था एक जोधपुर में, वहाँ पे इसके द्वारा नाथ संप्रदाय की यहाँ पे स्थापना की गई थी, और गुरु आयस नाथ के ये शिष्य थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, नाथ मुनि जी। किसने 1951-52 में कालीबंगा की पहचान की थी, तो कालीबंगा की पहचान कमलानंद ए घोष के द्वारा की गई थी, अमलानंद ए घोष के द्वारा की गई थी 1951-52 में। ये जो प्राचीन सभ्यता है सरस्वती, इसका आधुनिक नाम है वो घग्गर नदी के किनारे है ये। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, तो वो कौन सा शासक था, अजयराज था, अजयराज के द्वारा ही अजमेर शहर की स्थापना की गई है, और उन्होंने ही पहले अजमेर को राजधानी के रूप में बनाया था। बिजोलिया शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि सांबर के और अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। चौहान राजवंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव चौहान था, जिसने सांबर में अपना राज्य स्थापित किया था, और जालौर के चौहानों की शाखा या सोनग्रह के चौहान भी बोलते हैं इनके, इनको इनके जो संस्थापक थे वो कीर्तिपाल जी थे। नेक्स्ट है, राजस्थान का भारत में कुक्कुट पालन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कुक्कुट पालन में राजस्थान का है वो 18वां स्थान है। देश में प्रथम आंध्र प्रदेश का आता है। राज्य में अगर देखें राजस्थान में, तो अजमेर जिले में मुर्गी पालन में प्रथम स्थान रखता है, अंतिम स्थान करौली जिले का है। नेक्स्ट है, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर किया था, वो रानी कौन सी थी, वो रानी पद्मनी थी, जिन्होंने रावल रतन सिंह की ये पत्नी थी, इसके द्वारा जोहर किया गया था 1303 ईस्वी में। रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ राज्य को जीत के इसका नाम क्या रखा गया था, हिजराबाद नाम रखा था। नेक्स्ट है, करक रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में से करक रेखा गुजरती है, लेकिन इसमें मध्य से पूछा है कि कौन से जिले के मध्य से गुजरती है, तो वो बांसवाड़ा जिला है, जिसके बिल्कुल मध्य से निकलती है, डूंगरपुर के बिल्कुल नीचे से निकलती है दक्षिण भाग से।
कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और गंगानगर है ऐसा जिला जहाँ पर है सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चंबल, चंबल बनास, पार्वती, काली सिंध, बामनी और कुराल ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। माही की सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन ये माही की सहायक नदियाँ हैं। बनास, बनास की कोठारी, बेड़च, मिनाल और मोरेल और बांडी नदी बनास की सहायक नदियाँ हैं। लूणी की आहू पर्वन, आहू पर्वन और ये काली सिंध की है, काली सिंध, काली सिंध नदी की है, ये लूणी की सहायक नदियाँ नहीं है। लूणी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है? सूखड़ी है, बीलड़ी है, जोजड़ी और मीठड़ी, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। सूखड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी और मीठड़ी तो कई बार पूछा भी जाता है लूनी की सहायक नदियों के बारे में। राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? काला संगमरमर के लिए बैंसलाना प्रसिद्ध है। बैंसलाना कहाँ है? बैंसलाना चित्तौड़गढ़ में है। ये काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है बैंसलाना, चित्तौड़ में, सॉरी जयपुर में है। बैंसलाना जयपुर में स्थित है। सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद से प्राप्त होता है। सफ़ेद संगमरमर जो कि राजसमंद से ही प्राप्त होता है, सर्वाधिक संगमरमर प्राप्त होता है। और उदयपुर से हरा संगमरमर, जालौर से गुलाबी, डूंगरपुर से हल्के हरे रंग का संगमरमर, नागौर से सर्वश्रेष्ठ प्रकार का सफ़ेद मार्बल प्राप्त किया जाता है। जयपुर ज़िले से संगमरमर की मूर्तियाँ इतनी प्रसिद्ध है ये, और बैंसलाना से काला संगमरमर प्राप्त किया जाता है। और पाली ज़िले से खदरा गांव में सतरंगी मार्बल प्राप्त किया जाता है, पाली ज़िले के खदरा गांव से। और अलवर से सफ़ेद स्फीट किए संगमरमर, और जैसलमेर ज़िले से संगमरमर की जालियाँ हेतु प्रसिद्ध पीला मार्बल जैसलमेर से प्राप्त किया जाता है। तो पीला, सफ़ेद और काला और गुलाबी मार्बल ये इम्पोर्टेंट है। हरा मार्बल भी कुछ ले जाता है उदयपुर से। नेक्स्ट है, म्यूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो म्यूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर में स्थित है जो कि, और किसके द्वारा बनाए गए ये 1459 में जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की थी राव जोधा, उन्हीं के द्वारा ही म्यूर ध्वजगढ़ या मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई है। इस दुर्ग के अन्य नाम भी है जैसे गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ भी इसको कहा जाता है, कागमुखी भी इसको कहा जाता है, चिड़ियाटुक दुर्ग भी कहा जाता है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पे बने होने के कारण, म्यूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, म्यूर जैसी आकृति होने के कारण इसको म्यूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के बारे में एक व्यक्ति ने एक सेंटेंस कहा था कि इसका निर्माण शायद परियों या फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। वो व्यक्ति कौन थे? वो थे रुडयार्ड किपलिंग थे, इसमें किपलिंग दिया हुआ गलत है, रुडयार्ड किपलिंग थे जिन्होंने ये कहा था कि इसका निर्माण शायद परियों या फरिश्तों के द्वारा किया गया। तो ये पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना काफ़ी प्रचलित है, बहुत बार एग्जाम में आई है, डूंगरपुर की है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर की है। ज्वार सागर बांध कहाँ है? कोटा में है, चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी पे। उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में है, और माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, माही नदी पे। पांचना बांध करौली में है, ये मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, याद रखना है। मेजा बांध कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में बना हुआ है। माधो सागर बांध दौसा में है। जसवंत सागर बांध जोधपुर में है। चांद बावड़ी आबानेरी आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी दौसा में, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। छापी सिंचाई परियोजना ये झालावाड़ में, ये भी पूछी जा चुकी है। जवाई बांध पाली में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है इसमें दिए हुए। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, त्रिवेणी संगम दिए हैं और नदियाँ दी हुई है। तो बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा में है। रामेश्वर घाट स्वाई माधवपुर में है। बनेश्वर डूंगरपुर में है क्या? बनेश्वर धाम
बिगोद में कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम बना हुआ है? तो वह है जी बनास, बेड़च और मिनाली नदियों का संगम बिगोद भीलवाड़ा में बना हुआ है। राजमहल बनास, डाई और खारी नदियों का संगम है यहाँ पे। रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप तीनों नदियों का संगम है। बनेश्वर है, सोम माई और जाखम इन तीनों का संगम बना हुआ है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, यहाँ राष्ट्रपति अपने थे अब्दुल कलाम, उनका पैतृक गांव था और यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, उस टाइम की बात है जब उनका देहांत हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान की मरु भाषा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो राजस्थान मरु भाषा का जो उल्लेख है वो कुवल्यमाला में मिलता है। ये विक्रम संवत 1835 में उद्धोतन सूरी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और मारवाड़ के जालोर नगर में इसकी रचना की गई थी। इस ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा का भी उल्लेख किया गया है। 18 भाषाओं में मरु भाषा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और कुवल्यमाला नामक ग्रंथ है वो उद्धोतन सूरी के द्वारा 1835 विक्रम संवत में ये लिखा गया था। नेक्स्ट है, जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, जोधपुर का बताना है यानी मारवाड़ का शासक कौन था जिन्होंने पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह का नाम आता है। ये मालदेव का पुत्र था मोटा राजा उदय सिंह, जोधपुर का पहला शासक था जिन्होंने अपनी बहन, अपनी पुत्री मानबाई का विवाह, मानबाई को जगत गोसाई भी कहते हैं, की शादी अकबर के पुत्र सलीम कौन था, जहांगीर था, उसके साथ की थी। और मारवाड़ का यह पहला शासक था जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। जबकि राजस्थान का अगर पहला शासक देखा जाए जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था आमेर का शासक था बारमल, जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला अगर बांध पूछ लिया जाए तो कौन सा है? जाखम बांध है। ये माही की सहायक नदी जाखम पे ही बना हुआ है। इसे माही की सहायक नदी है जाखम, इस पर बनाया गया है और ये आदिवासी एरियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसकी अगर ऊंचाई देखें तो 81 मीटर ऊंचाई है और ये चिनाई से बना हुआ सबसे उच्चतम बांध है एशिया का। नेक्स्ट है, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो मेवाड़ का में मणिकालाल वर्मा का नाम आता है जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, 1938 ईस्वी में की थी। और करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई है। वर्मा जी का जन्म 4 दिसंबर, मणिकालाल वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को हुआ था, बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक मणिकालाल वर्मा द्वारा रचित एक पंछिड़ा नामक गीत है, ये भी इम्पोर्टेंट है, को मेवाड़ की आज़ादी का तराना भी कहा जाता है। मेवाड़ की आज़ादी का तराना के नाम से प्रसिद्ध गीत है एक पंछिड़ा नामक गीत, वो किसके द्वारा लिखा गया है? मणिकालाल वर्मा के द्वारा। वर्मा जी को राजस्थान में राजनीतिक चेतना के सूत्रधार के नाम से भी जाना जाता है, राजनीतिक चेतना के सूत्रधार के नाम से मणिकालाल वर्मा को जाना जाता है। और ये भील संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने मणिकालाल आदिम जाति शोध संस्थान की स्थापना उदयपुर में की थी। नेक्स्ट है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर है आदिम घराना कथक शैली का। कथक शैली अगर देश में देखें भारत में तो लखनऊ है, और आदिम घराना अगर प्राचीन घराना देखें तो जयपुर को माना जाता है। इसी कारण जयपुर घराने को आदिम घराना, और इस नृत्य के जो प्रवर्तक थे वो बानोजी महाराज थे।
ये मांगलिक अवसर पर इस नृत्य को करने की परंपरा है, इसे इसको मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? अबानेरी दौसा में और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो वो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। मोनोत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों को 26 शाखाओं में बंटे हुए बताया गया है, 26 शाखाओं में थे ये, तो ये भी पूछा जा चुका है। मोनोत नैनसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई जा चुकी हैं? तो 26 शाखाएं हैं। चीनी यात्री हैंसोंग युआन जुआंग जिनका नाम था, उनने गुर्जरों की राजधानी का नाम पिलोमोलो बताया है। पिलोमोलो एनसोंग के द्वारा गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया गया है। और राजस्थान में प्रत्यार वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो कौन है? हरिश्चंद्र है। इनकी राजधानी मंडोर थी। मंडोर के प्रत्यार क्षत्रिय माने जाते थे और प्रत्यार वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर, ये राजशेखर किसके काल में प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? ये तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे, महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। नागभट फर्स्ट को गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित हैं। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने तीसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह प्रतिहारों की देन है। नेक्स्ट है राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस जिले में होने का अनुमान है? बाड़मेर में है। कोयले के भंडारों की दृष्टि में तमिलनाडु का स्थान आता है देश में और राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट यानी भूरे प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयला और लोहे की जो प्रकार है वो पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रकार का कोयला और लोहा राजस्थान में पाया जाता है, तो कोयला लिग्नाइट है। कोयला भूरे रंग का कोयला पाया जाता है यहाँ पे। राजस्थान में सर्वाधिक कोयला है वो कपूरडी बाड़मेर में, जबकि सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला है वो पलाना बीकानेर में मिलता है। राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है कौन सी है? बनास नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर जल को लेके जाती है। बनास के साथ में अन्य नदियां भी है, चंबल बेड़च गंभीरी कुठारी खारी और पार्वती काली सिंध बाणगंगा आदि नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है जो कि पूर्व की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत चोटियों के उनके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में दर्शाना है? तो अवरोही क्रम में ये चोटियाँ दी हुई है, जैसे टोटगढ़ सबसे बड़ी है, उसके बाद खो बिलाली रोजा वाकर, तो ये इनका क्रम है इस अवरोही क्रम में। तो चोटियाँ सभी याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि मेन मेन चोटियों को देख लें। इसमें जैसे मेन चोटियाँ हैं जरगा है, तो बड़ी चोटियों को तो लिया ही नहीं गया है, जबकि छोटी चोटियाँ पूछी गई है। टोटगढ़ खो बिलाली रोजा बकर ये चोटियाँ हैं, इनको क्रम बताया गया है। जोगी महल कहाँ स्थित है? जोगी महल है रणथंभौर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित है ये। राजा ने एक ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, ऋषि के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, किंतु बाद में ये साधुओं के डेरे यहाँ पे लगने लगे थे, इसी कारण इसका नाम जोगी महल पड़ गया था। ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है और राव सुरजन आड़ा ने संगन वृक्षों के बीच इस भवन का निर्माण करवाया था। जो गुप्त सैनिक गतिविधियों के काम आता था। नेक्स्ट है राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवताओं का गीत सबसे लंबा है? वो जीर्ण माता का है। और देवताओं में देवनारायण जी के फड़े वो सबसे लंबी है। और अगर गीत देखें देवताओं में तो लोक देवता रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है। पाचना बांध करौली में है, ये मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है पाचना बांध, जिसके निर्माण के लिए राजस्थान ने अमेरिका से आर्थिक सहायता ली थी।
चिनाई का बांध आपको बताया ही था। नेक्स्ट, राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र वाला कौन सा ज़िला है जिसे मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी सर्वाधिक है? तो जैसलमेर ज़िले में मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है। और ईसाई की आबादी देखें तो अजमेर में है, ईसाई सर्वाधिक अजमेर में, जैन उदयपुर में है, पंजाबी गंगानगर में, मीणा जाति के लोग सर्वाधिक जयपुर में, भील उदयपुर में, सहरिया बारा में है, दामोह डूंगरपुर में, कंजर हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी में है, ग्रासिया सिरोही में और सांसी भरतपुर में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, कौन सी आकृति कपड़ा रंग और व्यापारी को प्रदर्शित करती है? तो ये तीनों ही आकृतियाँ अलग अलग होगी, कपड़ा अलग है, रंग अलग है और व्यापारी अलग है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है फिर वह 90 डिग्री के कोण पर बाईं तरफ मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। तो आप देख सकते हो इसमें इसने दर्शाया है 10 मीटर चलता है, फिर 90 डिग्री के कोण पर ये 15 मीटर चलता है, 15 किलोमीटर, उसके बाद वह मुड़ जाता है 90 डिग्री के कोण पर और चलने लगता है, वह किस दिशा में है? तो दिशा पूछिए, तो आप देख रहे हो उत्तर दिशा होगी इसकी सही आंसर, क्योंकि इधर मुड़ा ये उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, प्रारंभ बिंदु ये यहाँ से था, उत्तर से ही चला था ये। नेक्स्ट है, प्रिया ने माया से कहा था, ये प्रिया ये माया है, इसने कहा कि तुम्हारी बहन मेरी माँ के भाई की बेटी है, तो बताओ माया का प्रिया की माँ के भाई के साथ क्या संबंध है? तो ये संबंध दर्शाया गया है, प्रिया के माँ के भाई की बेटी है ये माया, तो ये भी क्या होगी, बेटी होगी। नेक्स्ट है, प्रश्न 3 से 8 दिए हुए हैं, इनको एक सेंटेंस दिया है, इसके आधार पे इसके आंसर देने हैं, तो आप इनको हल करके देखिए। एक वो है वर्ताकार घेरे में बंदे बैठे हैं, उनका क्रम बताना है, कौन से क्रम में कौन कौन किसके बीच में बैठा है, तो आप ये प्रश्न आप करके देख लेना। ये भी सेम या पीछे क्वेश्चन किया था उसके आधार पे। असंगत छांटना है, सोफा मेज दरी और कुर्सी, तो इसमें से सोफा मेज और कुर्सी तो एक ही है, दरी अलग है इसमें। बेमेल पहचानना है, 17, 19, 21 और 23, तो 21 डिविजिबल है, बाकी अनडिविजिबल है, यह भाज्य संख्या है। एक घड़ी में 3:17 का समय हो रहा है, बताओ दर्पण में, दर्पण में क्या समय होगा? तो 11:60 से माइनस कर देंगे अगर दर्पण का समय पूछा है तो। नेक्स्ट है, मनोज घर से रेलवे स्टेशन के लिए 15 पहले निकला, रेलवे स्टेशन पहुंचने में 10 लगते हैं, 15 पहले निकला, 10 लगते हैं रेलवे स्टेशन पहुंचने में, 8:40 वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया, यानी 8:40 पे वो रेलवे स्टेशन पहुंचा था, 10 लगे थे घर से, वो 8:30 पे चला था और 15 पहले निकला था 8:30 पे, तो उसको जो सामान्य समय होगा वो 8:30 से 15 बाद का होगा, यानी 8:45 का, तो वो सामान्य से कितने बजे निकलता है? तो 8:45 पे निकलता है वो। ये किया हुआ है, आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप देख लीजिए। घड़ी के लिए समय तो अखबार के लिए क्या होगा, घड़ी के लिए समय है तो अखबार के लिए समाचार होगा। यदि आने वाले कल के 2 बाद गुरुवार है तो बीते हुए कल के 2 पहले कुछ है, तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिए आप। किसी लीप वर्ष के फरवरी का पहला दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होता है? तो लीप वर्ष में फरवरी माह का जो अगस्त माह के कैलेंडर के समान होता है, ये पहले भी एक मॉडल पेपर में मैंने बताया था, तो अगस्त माह के प्रथम दिन के समान होता है ये। यदि 24 फरवरी 1995 को शुक्रवार था, 3 मार्च 1995 को कौन सा दिन था? तो आप निकाल सकते हो इनको, काफ़ी इजी प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद निकाल के देखिए, वीडियो को पॉज करके, ये श्रृंखला का है।
कितने का गैप है, दो तीन चार पाँच का। टेलीफोन डायरेक्टरी में अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो ये क्रम वाइज रखने हैं। ये श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है, ये दिशा से संबंधित है। 20 अप्रैल 1999 को मंगलवार हो तो किस अन्य माह के 20 तारीख 1999 को मंगलवार होगा, तो मंगलवार बताना है। 20 तारीख को कौन से माह को वापस मंगलवार होगा, तो इसकी ट्रिक है कि सामान्य वर्ष में अप्रैल और जुलाई का जो पंचांग है वो समान होता है, अप्रैल और जुलाई का पंचांग है वो समान होता है, जैसे लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त का होता है उसी प्रकार वो तो लीप वर्ष में होता है, जबकि सामान्य वर्ष में देखें तो अप्रैल का जुलाई, अप्रैल और जुलाई का जो मंथ होते हैं वो उनमें डेज समान होते हैं। तो 20 अप्रैल 1999 को मंगलवार होगा, तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए कहीं नोटबुक में, तो बार बार आपको ये वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। श्रृंखला कंप्लीट करनी है, बेमेल बताना है, अमेरिका, अरेबिया, अफ्रीका और एशिया, तो एशिया महाद्वीप है, बाकी सभी देशों के नाम दिए हुए हैं। आकृति बतानी है त्रिभुज में, आकृति ज्ञात कर लीजिए, 1, 2, 3 और 4, 4, 2, 8 ये होगी, 8 ये होगी, 16 और 2 इसके बीच में बन जाएंगे, ये बीच वाला एक जोड़ दिया हुआ है, इसमें कुल 18 त्रिभुज बनेंगे। शब्द कोश के अनुसार इनको सेट करना है। कौन सी आकृति राज्य, देश और शहर को प्रदर्शित करती है, देश में राज्य होता है, राज्य में शहर होता है, तो आप देख सकते हो इसको सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।